जापान की किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है तो बिल्डिंग में फंसे लोग आग से बचकर बाहर कैसे निकलते हैं? नंबर 1, वर्टिकल एस्केप स्लाइड। इस ट्यूब को वर्टिकल फायर एग्जिट के नाम से भी जाना जाता है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशन में बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए किया जाता है। कुछ जापानीज इंजीनियर का ऐसा मानना है कि काफी क्रिटिकल सिचुएशन में सीढ़ियों या लिफ्टों के बजाय कुछ इस तरीके के ट्यूब से काफी जल्दी और सेफली बिल्डिंग से बाहर आया जा सकता है। इस ट्यूब को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर से पास होते इंसान की गति बिल्कुल समान ही हो जाती है और नीचे गिरने पर चोट भी नहीं आती। नंबर 2, इमरजेंसी फायर स्टेयर केस। यह एक तरह का सीढ़ियां है जो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। केवल एक लीवर खींचने से यह सीढ़ियां खुल जाती है और कुछ इस प्रकार से बिल्डिंग से ऊपर से नीचे की ओर खुलती चली जाती है, और जो बिल्डिंग में फंसे होते हैं वे आसानी से इस सीढ़ी की मदद से कुछ ही समय में नीचे चले आते हैं और आग से बच जाते हैं।